क्योंकि मेरे से का कोई मैटर नहीं है एल्विश की दुनिया में, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग है. तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए इट वॉज अनफेयर बिकॉज एल्विश ने कुछ नहीं किया उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, बस उसके फैन फॉलोइंग और उसकी जो आर्मी थी उस आर्मी के सपोर्ट से वो आगे गया है और उसको ये ट्रॉफी मिली है. बिकॉज देखा जाए गुड टू सी यू मैम, जिस तरीके से नाम का डंका पीट रहा है हर जगह, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? दीदी धमाल मचा रही है, फ्रेंड्स भी धमाल मचा रहे हैं घर पे. बस ऐसे ही है, हम एक ऐसी ब्रीड है जो बस खुशियाँ स्प्रेड करते हैं, वाइब स्प्रेड करते हैं और हुड़ हुड़ धवन धवन दबंग धवन, हम सारे यही हैं. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे यार परिवार, जैसे स्टार परिवार होता है वैसे यार परिवार है, जो बिग बॉस में गए हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं, बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको देख के. okay. और रियल में भी तीनों ऐसे ही हैं. okay. तीनों की अगर गेम की बात करें, किस तरह गेम खेलते हुए नजर आ रहे थे? रिंकू दीदी में ठहराव है, विक्की पैकेज है, अंकिता हीरोइन है. मुनावर रेड्डी राधा बन गया. जागो मुनावर जागो, अब नहीं तो कब. अभिषेक आई थिंक उसको ना गाना बिग बॉस को रोज सुना देना चाहिए, दैट इज बेबी काम डाउन काम डाउन, यू शुड जस्ट काम डाउन. वो बहुत हाइपर हो गया और वो बहुत ऐसे ना रटी रटाई किताब हमको पढ़ा रहा है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड आई थिंक यू शुड रियली डू समथिंग एल्स इवन इफ ही हैज टू डेट समवन एल्स. एंड नील, नील तू पीला हो जा बे. थोड़ा कलर लेकर आओ कलर. नील यू मे बी अ वेरी वंडरफुल गाय, वेरी रिस्पेक्टफुल, आप बहुत इज्जत से बात करते होगे लोगों से, बट दिस इज द गेम ना, दिस में शब्द बोलना जरूरी है. आप तो बस यही कर रहे हो, तो आपको कुछ और करना चाहिए, थोड़ा और बकअप करना चाहिए. एंड विक्की अंकिता को छोड़ के किसी और से भी मतलब मुझे सकता है नील ना मंडली बना रहा है, मंडली नहीं यूज़ करना चाहिए, नील ना ऐसे एक ग्रुप क्रिएट कर रहा है जो अंकिता विक्की के अगेंस्ट हो, वो एक एक को जाके बोल रहा है. तो मुझे लगता है ये नारद मुनि वाली हरकतें मत करो, बोल सकते हैं क्या, ये नारद मुनि वाली हरकतें मत करो और थोड़ा रियल बनो, अपने रिश्ते बनाओ. अंकिता विक्की के रिश्ते तोड़ने के पीछे मत बनो, अपने रिश्ते बनाने के बारे में सोचो. क्या लगता है जो यूट्यूबर और सेलेब्स वाली जो कम्युनिटी चलती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है कि यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स अब ये सिंपैथी ले रहे हैं, ये बोल के कि बिग बॉस बायस्ड है, टीवी सीरियल वालों को दिखा रहे हैं. आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट दैट दिस इज़ वन कम्युनिटी, वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी, दैट्स वाई दे आर हियर. आप जनरलाइज और कैटेगराइज करते हो आपकी ऑडियंस को, आप बोलते हो हमारे इतने फॉलोअर्स हैं. कोई भी आपने कभी अंकिता विक्की रिंकू दीदी या जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स जो भी आके गए हो, उन्होंने कभी अपने फॉलोअर्स के दम पे ये सब नहीं बोला. ये सिर्फ सोशल मीडिया वाले जो क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स हैं सिर्फ यही ये बात बोलते हैं. भाई क्यों बोलते हो? दूसरों की सक्सेस के बारे में रोने से बेहतर है कि अपनी जो जर्नी स्लो हो रही है उसमें तेल डाल के कैसे फास्ट चलने का उसके बारे में सोचो. एल्विश यादव वाइल्डकार्ड एंट्री ने आके बिग बॉस की ट्रॉफी जीती और एक हिस्ट्री बनाई, इस बारे में आपकी क्या राय वाइल्डकार्ड एंट्री को लेकर? देखो वो जीत तो गया, अभी मुझसे आप पूछ रहे हो तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मेरे से का कोई मैटर नहीं है एल्विश की दुनिया में, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग है. तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए इट वॉज अनफेयर बिकॉज एल्विश ने कुछ नहीं किया उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, बस उसके फैन फॉलोइंग और उसकी जो आर्मी थी उस आर्मी के सपोर्ट से वो आगे गया है और उसको ये ट्रॉफी मिली है. बिकॉज देखा जाए तो बस वो एक फ़ाइट उसकी जो हुई थी जिसमें उसने लाइन क्रॉस की थी, सलमान सर ने उसको समझाया था, उसको दिल से बुरा लगा था, रोया था, उसके बाद उसने कुछ किया ही नहीं, ही डिडंट डू एनीथिंग. सो आई फेल्ट कि जस्ट बिकॉज उसके फॉलोअर्स है वो ट्रॉफी जीत गया, दिस इज़ नॉट फेयर. उसे तो ट्रॉफी की इज्जत भी नहीं रखी. मैंने कहीं एक वीडियो देखा था, वह ही हैड सेड कि वापस ले लो ट्रॉफी, मुझे पैसे भी नहीं मिले और समथिंग लाइक दैट. कम ऑन नाउ, दिस इज़ लाइक स्टूपिंग वेरी लो. आई थिंक दिस इज स्टूपिंग वेरी लो. एटलीस्ट उस ट्रॉफी की इज्जत रखते, पैसे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे पास तो बहुत है और आ भी जाएंगे. भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा चैनल है, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट गोइंग टू पे यू. एक टाइम पीरियड होता होगा ना, उसके बाद ही देते होंगे. सो बस मुझे नहीं अच्छा लगा कि एल्विश जीता. और अभी ये एल्विश के लिए कुछ भी बोलो तो उसकी आर्मी गालियाँ देने लग जाती है आपको. यार ये क्या बात हुई यार, हुआ है मैंने अविनाश सचदेव को सपोर्ट किया था, गालियाँ दे रहे थे वो यार, दो बच्चों की माँ में शर्म करो सालो, आई मीन बंदो, ऐसे नहीं करते. गलत है ना, यू कांट अब्यूज पीपल यार, इट्स माई ओपिनियन. So please, Elvish Army, you need to meditate. Learn from Ankita Lokhande in this house. She meditates and she becomes calm. आप भी थोड़ा शांति बाय का लो, क्रांति बाय का नहीं. Wow, so nice, nice style. मैं आपसे जानना चाहूँगा, top three की अगर बात करो तो किन्हें देखती है top three में? विक्की, अंकिता and रिंकू धवन.
और फिर इन तीनों में अगर दो, अल्लाह मालिक, मैं थोड़ी बिग बॉस हूँ भाई, मेरे को मत पूछो, मैं तीनों के लिए वोट करूंगी। तीन फोन लेके जियो सिनेमा सिंपल कर दिया है, सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, मैं तो नींद में भी यूं कर सकती हूँ। तो मैं तीन फोन रख के तीनों में से तीनों को वोट करूंगी। आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग बिकॉज दे आर माई यार परिवार। देखो परिवार आपका परिवार होता है क्योंकि आप पैदा होते हैं उनके साथ, यार जो होते हैं ना वो आपका चोजन परिवार होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम चोजन फैमिली। एंड आई, अगर मैंने बोल दिया कि कमिट कर दिया तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगी, मरते दम तक जब तक है जा मैं वोट करूंगी। दबंग धवन क्या अपनी तरफ से एक मोटिवेटर एकदम धमाकेदार मैसेज देना चाहेंगे तीनों को? बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं अपने आप को दबंग धवन बोलती हूँ, आप तीनों दबंग हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, बस अपनी दबंगी और दिखाओ। और दिल जीतो लोगों के, ट्रॉफी तो जीतेगा ही हर कोई एक ना एक जन, पर दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। तो बस दिल जीतने के बारे में सोचो, ट्रॉफी अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर।